हेलो एवरीवन, माय सेल्फ राजीव मनोहर, आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइकेट्रिक का जो टॉपिक है अपना ईसीटी। ईसीटी का मतलब होता है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है या ये जो अपना टॉपिक्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि अगर अपन एकेडमिक के हिसाब से देखें या तो कॉलेज के हिसाब से अपन देखना चाहे या फिर कम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से देखना चाहते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। यहाँ से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों, अपना जो ये आइकॉनिक नर्सिंग जो एकेडमी का चैनल है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या करें, लाइक्स करें, शेयर करें, और हमारे जो लेटेस्ट अपडेट हैं उनको देखने के लिए क्या करें, हमारे बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने साइकेट्री का, वो है ईसीटी। ठीक है, ठीक है, ईसीटी। देखिए दोस्तों, ईसीटी का मतलब क्या होता है, ईसीटी एक प्रकार की थेरेपी है जो अपने क्या होता है, जो मेंटल डिसऑर्डर्स है, जैसे साइकेट्रिक्स में अपन पढ़ते हैं कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको एक किसी ना मतलब कि एक प्रकार की थेरेपी के द्वारा ठीक किया जाता है। और उस थेरेपी में से हम एक थेरेपी पढ़ते हैं ईसीटी, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन इसका पढ़ते हैं जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनता है या काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक प्रकार से एक अपन बोलना चाहे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, यहाँ से अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसका जो पोर्शन होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखिए दोस्तों कि ईसीटी को अपन देखें, ठीक है, ईसीटी जो प्रोसीजर है या जो ईसीटी थेरेपी है इसको अपन सोमेटिक थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये एक प्रकार की सोमेटिक थेरेपी है जो डायरेक्टली अपनी बॉडी पे अप्लाई की जाती है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सोमेटिक थेरेपी। ठीक है, या अपन इसको दूसरे नाम में बोलना चाहे तो अपन बोल सकते हैं फिजिकल थेरेपी, फिजिकल, क्या बोल सकते हैं, फिजिकल थेरेपी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक। अब बात करते हैं इसके कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ईसीटी कहाँ से आई, किसने इसको दिया, ईसीटी का पहले नाम क्या था। ठीक है, ईसीटी का पहले नाम क्या था, ये कब दी गई, किस साइकेट्रिस्ट के द्वारा इसको दिया गया। तो देखिए सबसे पहले 1927 के अंदर, 1927 में क्या हुआ, 1927 में अपने एक साइकेट्रिस्ट थे सेकल, जिन्होंने इस थेरेपी को किस नाम से बताया, इंसुलिन शॉक थेरेपी। किस नाम से, इंसुलिन शॉक थेरेपी। ठीक है, और ये किस साइकेट्रिस्ट के द्वारा दी गई, बाय सेकल। तक इस थेरेपी को किस नाम से जाना जाता था, इंसुलिन शॉक थेरेपी, और किन्होंने दी थी इसको, बाय सेकल, ये सेकल के द्वारा दी गई। इसके बाद में 1938 में दो इटालियन साइकेट्रिस्ट थे अपने पास, उन्होंने क्या बताया इसको, इस थेरेपी का नाम क्या बताया उन्होंने, ईसीटी। और उन साइकेट्रिस्ट का नाम क्या है, उन साइकेट्रिस्ट का नाम है, एक का नाम है यूगो सैलेटी एंड ल्यूशिनो बेनी। ठीक है, यूगो सैलेटी एंड ल्यूशिनो बेनी। देखिए 1938 के अंदर क्या हुआ, जो अपनी ईसीटी थी, इस ईसीटी का नाम किन्होंने दिया, दो अपने इटालियन साइकेट्रिस्ट थे, यूगो सैलेटी एंड
ल्यूसिनो बेन्नी, इन्होंने इसको क्या नाम दिया, ईसीटी, और इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए इसके बाद 1976 में क्या हुआ, 1976 में अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, ठीक है, शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिखा APA, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। अब देखिए अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने कहा, ठीक है, कि आपको ECT लेने से पहले क्या करनी पड़ेगी, पेशेंट कंसेंट, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन जो था उसने 1976 में ये बताया कि आपको पेशेंट की ECT लेने से पहले उसका क्या लेना पड़ेगा, पेशेंट कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में 2005 में क्या बताया कि जो WHO था अपना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अपना जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये डिसाइड किया या उसने ये बताया कि आपको ECT लेने से पहले क्या लेनी है, पेशेंट की कंसेंट, और ये चीज़ कब बताएगी, 2005 में, ठीक है, WHO रिकमेंडेड। WHO ने रिकमेंडेड किया क्या, पेशेंट कंसेंट, पेशेंट की कंसेंट बिफोर ECT, ये कब बताया गया, 2005 में, और किसके द्वारा बताया गया, WHO के द्वारा। यहाँ तक ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 2010 के अंदर, ठीक है, 2010 में क्या हुआ, 2010 में जो इंडियन पार्लियामेंट थी, भारत का जो संसद था, उसने बताया गया या भारत में ECT से पहले क्या लेने को लागू किया गया, पेशेंट कंसेंट को, ठीक है, और इंडिया में कब आई ये, 2010 में अपने इंडिया के अंदर क्या किया गया, जो पार्लियामेंट थी, संसद थी, उसने कहा कि आपको ECT लेने से पहले क्या करना पड़ेगा, पेशेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये अपना इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं इसका सेकेंड पॉइंट जो आता है, वो आता है डेफिनेशंस, ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, सेकेंड पॉइंट अपना क्या है, डेफिनेशंस, इसकी डेफिनेशंस क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसमें किस चीज़ के बारे में अपन पढ़ेंगे, उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है इसका डेफिनेशन, और देखिए इसकी डेफिनेशन में क्या बताया गया है, इसकी डेफिनेशंस में बताया गया दोस्तों कि आर्टिफिशियल ग्रैंडमल सीजर्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड, आर्टिफिशियल ग्रैंडमल सीजर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रोड्स ऑन द टेम्पोरल रीजन ऑफ द ब्रेन। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या किया गया कि आर्टिफिशियली रूप से ग्रैंडमल सीजर्स को प्रोड्यूस किया जाता है, किसके द्वारा, मतलब कि अप्लाइंग करके, अप्लाइंग किनको, इलेक्ट्रोड्स को, कहाँ पे, अपने जो ब्रेन का टेम्पोरल रीजन है, अपना जो ब्रेन का टेम्पोरल रीजन है वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई करके क्या किया गया, ग्रैंडमल सीजर्स प्रोड्यूस किए गए, और उसके उस ट्रीटमेंट के द्वारा या उस प्रोसीजर के द्वारा क्या किया गया, इस ECT को कम्प्लीट किया गया, ठीक है। इसकी डेफिनेशंस में अपन देखना चाहें तो इसमें आप लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो कि आर्टिफिशियल
देखिए, इसकी डेफिनेशंस में क्या बताया गया कि आपको क्या करना है, आपका जो टेम्पोरल रीजन है या ब्रेन का जो टेम्पोरल रीजन्स है, पेशेंट का जो ब्रेन है उसका जो टेम्पोरल रीजन्स है, उस टेम्पोरल रीजन्स पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोड्स को क्या करना है, प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद में क्या करेंगे, जब अपन पेशेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी या उसको वोल्टेज देंगे तो उसकी वजह से एक सीजर्स का टाइप प्रोड्यूस होता है, जिसको बोलते हैं ग्रैंडमन सीजर्स। ठीक है, ईसीटी देने के दौरान या ईसीटी प्रोसीजर के दौरान जो सीजर्स का जो टाइप आता है या किस प्रकार का सीजर्स आता है, उस सीजर्स को बोलते हैं ग्रैंडमल सीजर्स। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है, आर्टिफिशियल ग्रैंडमल सीजर्स। ठीक है, इसके बाद में अपन देखना चाहिए इसके कुछ इंडिकेशंस हैं। इंडिकेशंस का मतलब होता है कि जो ये प्रोसीजर है, ईसीटी जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, किन किन मेंटल डिसऑर्डर्स में, किन किन साइकेटिक डिसऑर्डर्स में इसका यूज किया जा सकता है, कुछ इंडिकेशंस हैं उनको अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, थर्ड चीज अपन पढ़ रहे हैं इसके इंडिकेशंस। ठीक है, इंडिकेशंस का मतलब मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोसीजर है या ये जो थेरेपी है, किन किन डिजीज कंडीशंस में, किन किन मेंटल डिसऑर्डर्स में इसको क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन सीवियर डिप्रेशन। सीवियर डिप्रेशन सबसे पहले जो डिस्कस किया जाता है वो किया जाता है सीवियर डिप्रेशन। देखिए, ईसीटी का जो मैनेजमेंट अपन पढ़ते हैं, ईसीटी मोस्ट इफेक्टिव जो मानी जाती है वो मानी जाती है आपके डिप्रेशन कंडीशंस में, मतलब सुसाइडल जो कंडीशंस होती है, जिन कंडीशंस में पेशेंट डिप्रेस्ड रहता है या सुसाइडल टेंडेंसी में रहता है, उनमें मोस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है ईसीटी। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं डिप्रेशन। देखिए, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन डिप्रेशन का मतलब होता है कि अवसाद। ठीक है, डिप्रेशन को अपन देखना चाहिए तो एक तो देखिए, पेशेंट जो होता है डिप्रेशन का, वो क्या होता है, पेशेंट के अंदर क्या होता है, सैडनेस होती है। पेशेंट हमेशा सेड रहना पसंद करता है, उसकी जो साइकोमोटर एक्टिविटीज़ है, उसके जो काम करने की एक्टिविटीज़ है, वो क्या हो जाती है, बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और इसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं अपने ब्रेन में, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं आपके, एक तो सीरोटोनिन होता है, हिस्टामिन होता है, डोपामाइन होता है, गाबा जिसको बोलते हैं, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, और एक होता है एसिटाइल कोलिन। तो इसी प्रकार से अपने ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अब उस उनमें से एक कंडीशन से अगर सीरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है दोस्तों, सीरोटोनिन का लेवल क्या हो जाता है, अगर ब्रेन में कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपके डिप्रेशन के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपके डिक्रीज जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है सीरोटोनिन, उसका लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं। ठीक है, सिम्टम्स की मैं बात करूं, ठीक है, सिम्टम्स में अपन यहाँ देख सकते हैं, एक तो हो जाता है सैडनेस, क्या हो जाता है, सैडनेस। दूसरी चीज क्या आती है, डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, मतलब उसका जो काम करने की एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज साइको मोटर एक्टिविटी। ठीक है, पेशेंट की जो काम करने की कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड अपन पढ़ते हैं, अपने पढ़ा सीवियर डिप्रेशन, डिप्रेशन में ली जाती है। ठीक है, इसके बाद अपन सेकंड पढ़ते हैं कैटेटोनिक सिजोफ्रेनिया। कैटेटोनिक सिजोफ्रेनिया, देखिए सिजोफ्रेनिया के कुछ टाइप्स है, जैसे कैटेटोनिक सिजोफ्रेनिया है, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया है, अनडिफरेंस सिजोफ्रेनिया है, उनमें से एक टाइप आता है अपना कैटेटोनिक सिजोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए दोस्तों, कैटेटोनिक शब्द का मतलब क्या होता है, CATA, केटे का मतलब होता है डिस्टरबेंस, क्या होता है, केटे का मतलब डिस्टरबेंस, याद रहेगा। ठीक है, डिस्टरबेंस। और टोनिक का मतलब क्या होता है, टोनिक का मतलब होता है अपनी मसल स्टोन। ठीक है, अपन बोलते हैं नॉर्मली कि टोन खराब हो गया, टोन बेकार हो गई, इसका मतलब क्या होता है, मसल स्टोन, मसल्स। ठीक है,
अगर सिंपली इसका अपन मीन समझना चाहिए, इसका सिंपली अर्थ समझना चाहिए, तो क्या होता है केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, एक पेशेंट की जो मसल स्टोन है उनका क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है उनके अंदर, क्या होता है किसी प्रकार का कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ ही जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है पेशेंट के अंदर जो सिम्टम्स आते हैं उनको अपन बोलते हैं एक्साइटमेंट मेनिया, या बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं लाइक मेनिया, मेनिया सिम्टम्स, ठीक है, मैनिक लाइक सिम्टम्स, या इसको बोल सकते हैं मेनिया लाइक सिम्टम्स, मेनिया लाइक सिम्टम्स, ठीक है, मेनिया लाइक सिम्टम्स। वह मोस्टली किन में देखने को मिलता है, 15 से लेकर जो 25 ईयर का एज ग्रुप होता है, मोस्टली जो केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के जो केस देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं 15 to 25 ईयर ऑफ एज ग्रुप, ठीक है, मतलब कि 15 से लेकर जो 25 साल तक का जो एज ग्रुप है मोस्टली जो सिजोफ्रेनिया देखा जाता है वो उनमें कौन सा कंडीशन देखी जाती है, केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया इस एज ग्रुप में देखा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। देखिए दोस्तों पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया का मतलब क्या होता है कि इसमें पेशेंट का जो होता है सस्पिशियस बिहेवियर हो जाता है। सस्पिशियस का मतलब अपन समझना चाहिए कि पेशेंट मतलब कि सामने वाले पर्सन पे क्या करता है, सस्पिशियस रहता है, मतलब उस पर शंका करता है कि ये पेशेंट पर्सन है ये मेरे को मारना चाहता है, या ये मेरे बारे में बुरा सोचता है, या फिर इसका किसी के साथ क्या है कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। इसमें क्या होता है पेशेंट सस्पिशियस बिहेवियर में रहता है। सस्पिशियस बिहेवियर, सस्पिशियस का मतलब होता है शंका करना, मतलब संदेह करना या शंका करना, ठीक है। इसमें पेशेंट क्या होता है कि अगर अपन पेशेंट को क्या देखो, नॉर्मली अपन देखें इसका एग्जांपल, तो इसमें पेशेंट क्या होता है, पेशेंट को अगर अपन खाना देना चाहते हैं या कुछ खाने की चीज़ देना चाहते हैं तो वह सोचता है कि इस चीज़ में क्या है, जहर मिला हुआ है, मतलब पॉइजन मिला हुआ है, और पेशेंट ये सोचता है कि ये सामने वाला पर्सन क्या करना चाहता है, मेरे को मारना चाहता है, ये मेरी प्रॉपर्टी लेना चाहता है, जो भी चीज़ है उसके बारे में क्या होता है, उसके अंदर नेगेटिव थिंकिंग्स रहती है पर्सन के बारे में पेशेंट के माइंड में। सेकेंड चीज़ क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो अपने लाइफ पार्टनर के लिए क्या होता है, ट्रस्टफुल नहीं कर पाता है। पेशेंट ये सोचता है कि जो मेरी वाइफ है या जो मेरी वाइफ का है किसी अदर पर्सन के साथ क्या चल रहा है, अफेयर चल रहा है, इसका एक्स्ट्रा मैरिटल कुछ अफेयर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना टाइप कौन सा हो गया, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। यहाँ पे भी क्या दी जा सकती है, ईसीटी। इसके बाद में आता है इसका जो फोर्थ पॉइंट है, इंडिकेशन, जो फोर्थ इंडिकेशन है अपना, जो फोर्थ इंडिकेशन है वो आता है बाइपोलर डिसऑर्डर। कौन से डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर, देखिए बाइपोलर डिसऑर्डर को अपन डिस्कस करें तो बाइपोलर डिसऑर्डर टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेनिया और आपका सेकंड होता है डिप्रेशन। कौन सा, फर्स्ट वन आपका आता है मेनिया एंड सेकंड वन इज डिप्रेशन, ठीक है। मेनिया के बारे में आप समझ गए, मेनिया का मतलब क्या होता है, पेशेंट में साइकोमोटर जो एक्टिविटीज होती है, पेशेंट की जो कार्य करने की कैपेसिटीज है, पेशेंट क्या करता है बहुत अधिक कार्य करता है, मतलब वो इतना बिजी रहता है अपने लाइफ शेड्यूल्स को लेके कि वो अपने खाने को भी इंपॉर्टेंस नहीं देता, मतलब वो एक जगह टिक के खाना भी नहीं खा सकता। डिप्रेस्ड का जस्ट अपोजिट होता है, मेनिया का जस्ट अपोजिट किस में होता है, डिप्रेशन में। पेशेंट क्या करता है, अकेला रहना पसंद करता है, किसी से बात नहीं करता, कोई भी चीज़ होती है उसके बारे में अपने आप को क्या समझता है, वो गिल्ट महसूस करता है, ठीक है। इसमें आता है जैसे डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, मेनिया का जो सिम्टम्स होता है उसमें आता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ठीक है।
डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट क्या करता है, अपने आप को महान समझता है। मेनिया का जो पेशेंट होता है वो अपने आप को क्या महान समझता है, ये समझता है कि बाकी पर्संस मेरे से क्या है नीचे है, मैं सबका क्या हूँ सीनियर हूँ लीडर हूँ। और डिप्रेशन में जैसे इसका अपोजिट होता है, डिप्रेशन में क्या होता है देखिए, डिप्रेशन में जो सिम्टम्स आता है वो आता है डिल्यूजन ऑफ गिल्टी। ठीक है, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, गिल्ट का मतलब होता है पेशेंट अपने आप को दोषी समझता है किसी भी चीज़ के लिए। और सिंपली अगर डिल्यूजन का मतलब समझना चाहिए अपन, अगर डिल्यूजन शब्द का मतलब अपन समझना चाहिए, देखिए दोस्तों डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? डिल्यूजन का मतलब होता है फाल्स फिक्स बिलीव। ठीक है, क्या होता है फाल्स फिक्स बिलीव, पेशेंट क्या करता है जो झूठी घटनाएं है या जो उसका बिलीव है जो फाल्स है वो उसी पे क्या रहता है अडिक रहता है, मतलब उसी पे वो निर्भर करता है, मतलब वो किसी भी चीज़ को गलत रूप में अगर उसने समझ लिया तो वो उसी चीज़ को मानता है। फाल्स फिक्स बिलीव, डिल्यूजन का सिंपल मतलब समझ दो फाल्स फिक्स्ड बिलीव। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को लेके अगर उसका झूठा विश्वास बन चुका है वो क्या होता है डिल्यूजन्स होता है, वो किसी भी चीज़ को समझना ही नहीं चाहता, उसके माइंड में जो चीज़ बन चुकी है वो उसी चीज़ को मानता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे चले, ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद में अपन पढ़ते हैं इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस का सिंपली मतलब समझे तो मतलब किन किन डिजीज कंडीशंस में, किन किन कंडीशंस में ECT को क्या किया गया कॉन्ट्राइंडिकेट किया गया। कॉन्ट्राइंडिकेट का मतलब होता है कि ECT इन कंडीशंस में यूज नहीं की जा सकती। देखिए इसके दो कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, एक आपके होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि आपको 100% यहाँ पे क्या करना है ECT देनी ही नहीं है, मतलब बिल्कुल नेग्लेक्ट करके चलना है कि आपको ECT यहाँ इस इन डिजीज कंडीशंस में, इन डिसऑर्डर कंडीशंस में आपको देनी ही नहीं है। एक होता है इसका रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब होता है सेकंड लाइन भी इनको बोला जाता है, और रिलेटिव में आप क्या कर सकते हो कुछ कंडीशंस है जिनमें आप दे सकते हो, उनमें आप किसी में आपको अवॉइड भी करके चलना पड़े। तो अपन ये आप डिस्कस करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस। इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो कौन सा है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब होता है कि ECT को किन किन कंडीशंस में कहाँ कहाँ इसको नहीं देना है और किन किन कंडीशंस में देना है, तो ये दो टाइप्स में डिवाइड है। ठीक है, इसका जो पहला टाइप है वो आपका पहला टाइप है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि 100% आपको इस कंडीशंस में देना ही नहीं है। ठीक है, सेकंड होता है इसका रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब आप कुछ कंडीशंस में दे सकते हो, कुछ कंडीशंस में आपको इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, इसको अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं एब्सोल्यूट, और देखिए एब्सोल्यूट का मतलब होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है देना ही नहीं है, मतलब 100%। ठीक है, और इनको बोला जाता है, इनको अदर नाम से बोला जाता है फर्स्ट लाइन कॉन्ट्राइंडिकेशंस। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब तो अपन ने समझ लिया क्या होता है कि यहाँ इन कंडीशंस में आपको देना ही नहीं है। ठीक है, इनको बोला जाता है फर्स्ट लाइन कॉन्ट्राइंडिकेशंस। ठीक है, ये कौन कौन से डिस्कस करते हैं, इनमें सबसे पहला आएगा आपका इंक्रीज आईसीपी का मतलब क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। आपके ब्रेन में जो CSF पाया जाता है या आपके ब्रेन के अंदर जो क्रेनियल पोर्शन है, उस क्रेनियल पोर्शन में जो इंट्राक्रेनियल आपके क्रेनियल के अंदर ब्रेन के अंदर जो प्रेशर्स हैं, उस प्रेशर की कंडीशंस अगर बढ़ी हुई हो, ठीक है, उस कंडीशंस में आपको नहीं देना है। देखिए कैसे, आपका जो नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है आईसीपी का सिंगली मतलब समझे अपन, तो मतलब क्या होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर।
ठीक है। आईसीपी का सिंपल मतलब क्या हो गया, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, अब ये नॉर्मल कितना होता है, प्रेशर तो है पर ये नॉर्मल भी तो होता होगा ना, कितना होता है अगर नॉर्मली इसकी बात करें तो नॉर्मली जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है 5 से 15 mm ऑफ Hg। कितना होता है, 5 से लेके 15 mm ऑफ Hg, कितना होता है ये, 5 से 15 mm ऑफ Hg। ठीक है, इसके साथ ही मैं कुछ चीज़ लिखना चाहता हूँ, यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए, एक होता है आपका CVP, CVP का सिंपल मतलब होता है सेंट्रल वीनस प्रेशर। ठीक है, आपकी जो सेंट्रल वेन में जो प्रेशर होता है ब्लड का उसको अपन क्या बोलते हैं, CVP। और CVP नॉर्मल कितना होता है, 3 से 8 mm ऑफ Hg। ठीक है, CVP, CVP का मतलब होता है सेंट्रल ठीक है सेंट्रल वीनस प्रेशर, और सेंट्रल वीनस प्रेशर जो नॉर्मल होता है आपका 3 से 8 mm ऑफ Hg। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ JVP, और JVP का सिंपल मतलब होता है जुगलर वेन प्रेशर। आपकी जो जुगलर वेन है उस जुगलर वेन में ब्लड प्रेशर कितना है, आपका ब्लड का प्रेशर कितना होता है नॉर्मली। ठीक है, JVP का मतलब होता है जुगलर जुगलर वेन प्रेशर, और ये भी नॉर्मल कितना होता है, 3 से 8 mm ऑफ Hg। देखिए, CVP और JVP तो जो नॉर्मली होता है वो 3 से 8 mm ऑफ Hg होता है, और आपका ICP मैंने आपको यहाँ डिस्कस किया, इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है 5 से 15 mm ऑफ Hg। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अपन ने फर्स्ट इसका जो एब्सोल्यूट का जो फर्स्ट टाइप है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है कि इंक्रीज ICP में अपन को नहीं देना है। सेकेंड इसमें डिस्कस करते हैं MI। ठीक है, एब्सोल्यूट का अपन ने फर्स्ट क्या पढ़ लिया, इंक्रीज ICP कंडीशंस, इस कंडीशंस में आपको नहीं देना है। देखिए, सेकेंड अपन इस सेकेंड कंडीशंस इसमें पढ़ते हैं आपकी क्या, MI। और MI को सिंपली मतलब समझे तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब हार्ट की जो डिजीज कंडीशन है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब होता है आपकी हार्ट की जो मिडिल लेयर है मायोकार्डियम, उसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है, और ऑक्सीजन की डिमांड कम होने से वहाँ क्या होता है, नेक्रोसिस होता है। नेक्रोसिस होगा, वहाँ के टिश्यूज की डेथ हो जाती है, उन कंडीशंस की वजह से क्या बन जाता है, नेक्रोसिस। तो उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस। ठीक है, इस कंडीशंस में भी आपको क्या करना है, अवॉइड करके चलना है। इसके बाद में थर्ड वन कंडीशंस आती है आपकी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, अगर किसी पेशेंट को क्या हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो, उस कंडीशंस में भी आपको क्या करना है, ECT अवॉइड करके चलनी है। ठीक है, तो ये जो आपके एब्सोल्यूट के जो टाइप्स है या फर्स्ट लाइन जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है वो कंप्लीट हो गए। सेकेंड अपन डिस्कस करते हैं इसके रिलेटिव्स कॉन्ट्राइंडिकेशंस। ठीक है, इसके जो रिलेटिव्स, सेकेंड वन है इसके रिलेटिव्स, रिलेटिव या इनको बोला जाता है सेकेंड लाइन कॉन्ट्राइंडिकेशंस। ठीक है, क्या बोला जाता है, सेकेंड लाइन कॉन्ट्राइंडिकेशंस। देखिए, फर्स्ट अपन ने डिस्कस कर लिया कौन सा, एब्सोल्यूट टाइप। सेकेंड अपन कर रहे हैं रिलेटिव। ठीक है, और रिलेटिव को अपन सेकेंड क्या बोलते हैं, सेकेंड लाइन कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब इसमें भी कौन कौन सी कंडीशंस है, आपकी पहली कंडीशन आ जाती है इसमें प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी। अब देखिए, प्रेगनेंसी में आप किस कंडीशंस में ECT दे सकते हो और किस कंडीशंस में आपको अवॉइड करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, रिलेटिव का मतलब मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव वो कंडीशंस है, कुछ कंडीशंस में आप ECT दे भी सकते हो और कुछ कंडीशंस में आपको ECT अवॉइड भी करके चलनी पड़ेगी। तो प्रेगनेंसी में अपन देखें तो प्रेगनेंसी में अपन डिस्कस करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। क्या, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी का टाइम कितना होता है, 0 से लेके 12 वीक तक का। कितना,
ठीक है, आपका जीरो से लेके मतलब जिस दिन कंसेप्शन होता है वहाँ से लेके 12 वीक तक जो आपका टाइम ड्यूरेशन होता है वो किस में काउंट होता है, आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। तो इस कंडीशंस में आप क्या करनी है, आपको अवॉइड करना है किस चीज़ को, ECT को। ठीक है, सेकंड मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, सेकंड एंड थर्ड, मतलब देखिए सेकंड और जो थर्ड कंडीशंस है या सेकंड और जो थर्ड ट्राइमेस्टर है, ठीक है, सेकंड ट्राइमेस्टर का टाइम होता है आपके 13 से लेके 28 तक का, और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसका टाइम होता है 29 से लेके टिल डिलीवरी तक। तो इन कंडीशंस में आप क्या कर सकते हो, जो फीमेल पेशेंट है उसको ECT दे सकते हो। ठीक है, आपको अवॉइड कहाँ करना है, सिर्फ ओनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। देखिए फोकस कीजिए यहाँ पे, आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है या 0 से 12 वीक का जो टाइम ड्यूरेशन है उस कंडीशंस वाले पेशेंट को या फीमेल पेशेंट को आपको ECT नहीं देनी है। ठीक है, फर्स्ट अपन ने डिस्कस कर लिया, इसके बाद आता है सेकंड, इसका फ्रैक्चर। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, फ्रैक्चर में आप दे सकते हो। इसके बाद में ग्लूकोमा, ग्लूकोमा के कंडीशंस में भी दिया जा सकता है ECT। ठीक है, और लास्ट वन है आपके रेटाइनोपैथी। ठीक है, रेटाइनोपैथी हो गया आपका, ग्लूकोमा हो गया, और आपका फ्रैक्चर। ठीक है, इन कंडीशंस में भी आप ECT दे सकते हो। अपने कॉन्ट्रा इंडिकेशन डिस्कस कर लिए, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन इसके टाइप्स के बारे में, ECT के जो टाइप्स है उनको अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ECT के टाइप्स। देखिए मोस्टली टाइप्स जो होते हैं ECT के, दो टाइप्स होते हैं, एक तो आपके होता है यूनिलेटरल और एक होता है बायलेटरल ECT। देखिए इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सी बुक्स में कन्फ्यूजन दे रखा है या बहुत सी जगह कन्फ्यूजन पढ़ा दिया जाता है कि ECT के जो टाइप्स होते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। देखिए वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो होते हैं वो टाइप्स नहीं है, वो इसके मेथड्स हैं, मेथड या उनको टेक्निक्स बोल सकते हैं आप। ठीक है, टाइप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन्स होता है। देखिए टाइप्स इसके दो होते हैं, एक आपका होता है यूनिलेटरल ECT। ठीक है, कौन सा होता है आपका यूनिलेटरल ECT। ठीक है, और एक सेकंड टाइप कौन सा होता है आपका बायलेटरल ECT। ठीक है, सेकंड आपका होता है बायलेटरल ECT। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स, और टाइप्स को हमेशा याद रख के चीज, दो ही टाइप होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट वन इज यूनिलेटरल ECT, सेकंड इज बायलेटरल ECT। ठीक है, अब इनमें से अपन डिस्कस करते हैं यूनिलेटरल ECT के बारे में। ठीक है, यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं यूनिलेटरल ECT। यूनिलेटरल ECT, देखो यूनिक का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है, या यूनिक का मतलब होता है, यूनिक का मतलब होता है सिंगल। इस कंडीशंस में या इस टाइप के ECT में अपन को क्या करना है, इस टाइप जो ECT का टाइप है यूनिलेटरल ECT, इस टाइप में आपको क्या करना है, जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, बोथ इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपको कहाँ प्लेस करने पड़ेंगे, ओनली सिंगल साइड हेड या सिंगल साइड ऑफ द ब्रेन पेशेंट का जो सिंगल साइड का जो ब्रेन होगा उस वहाँ पे आपको क्या अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए, बोथ इलेक्ट्रोड्स ठीक है, बोथ इलेक्ट्रोड्स आर अप्लाई ऑन द सिंगल साइड ऑफ ब्रेन, मतलब कि ब्रेन का जो आपका सिंगल साइड है वहां पे आपको क्या करना है, दोनों इलेक्ट्रोड्स प्लेस करने पड़ेंगे, इसी वजह से इसको क्या बोला है यूनिलेटरल ECT। ठीक है, अब ये सिंगल साइड अपन इसको प्लेस कर रहे हैं इसके दोनों इलेक्ट्रोड्स को, इसकी वजह से क्या रहेगी, ये एक तो रहेगी लेस इफेक्टिव, इसका जो इफेक्टिवनेस है ठीक है, ये क्या रहेगी, लेस इफेक्टिव रहेगी, मतलब कि इसका जो इफेक्टिवनेस रहेगा उतना प्रॉपर नहीं आएगा जितना अपन को क्या मिलेगा बायलेटरल ECT से मिलेगा। ठीक है, लेस इफेक्टिव रहेगा, और इस लेस इफेक्टिव होने की वजह से में जो कन्फ्यूजन रहेगा वो भी पेशेंट को कम रहता है। ठीक है, तो क्या रहता है, लेस कन्फ्यूजन।
लेस क्या रहेगा, कन्फ्यूजन्स भी रहेगा, ठीक है। यूनिलेटरल ईसीटी मैंने आपको समझा दी। अब देखिए इसमें साइट, इसका जो इलेक्ट्रोड्स का जो प्लेसमेंट होगा वो कैसे होगा, ठीक है। यूनिलेटरल ईसीटी की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए यूनिलेटरल ईसीटी में जो आपका इलेक्ट्रोड्स लगेगा वो लगाया जाता है आपका सुप्रा ऑर्बिटल एरिया ऑफ द ब्रेन, कहाँ पे, सुप्रा ऑर्बिटल एरिया ऑफ ब्रेन, ठीक है। यहाँ से आपके देखिए कम्पिटेटिव क्वेश्चंस बना है। सुप्रा ऑर्बिटल एरिया जो ब्रेन है आपका, यहाँ से आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस बना था, वो ये बना था कि जो यूनिलेटरल ईसीटी है, ठीक है, यूनिलेटरल ईसीटी में जो प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रोड्स का वो आप कहाँ लगाओगे, ठीक है। वहाँ पर आपको या तो याद रखनी पड़ेगी पोजिशन का, सुप्रा ऑर्बिटल मतलब आपका जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट का मतलब आपकी आइज के ऊपर जो पोर्शन यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोड्स प्लेस करना है। देखिए क्वेश्चंस क्या बन के आया था कि यूनिलेटरल ईसीटी में जो इलेक्ट्रोड्स अप्लाई होंगे वो कहाँ होंगे या किस पोजीशंस पे होते हैं। देखिए वो क्वेश्चंस बना था या उसका आंसर ये था, डी इलियास पोजीशन। क्या नाम था उस पोजीशन का, नाम डी इलियास पोजीशन। देखिए याद रखिए, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बना था सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर, डी इलियास पोजीशन। ये वहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं दिया गया था सुप्रा ऑर्बिटल एरिया, ओनली पोजीशंस का नाम पूछा था कि यूनिलेटरल ईसीटी के दौरान या यूनिलेटरल ईसीटी देने के दौरान जो पोजीशंस होती है या कौन सी पोजीशंस पे इलेक्ट्रोड्स को क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है, और वो आपकी कंडीशन कौन सी थी, डी इलियास पोजीशंस, ठीक है, आपको याद रहेगा। ठीक है आगे चलते हैं, इसके बाद आता है बाइलेटरल ईसीटी। इसका जो सेकेंड टाइप है दोस्तों वो अपन डिस्कस करते हैं बायलेटरल ईसीटी के बारे में। इसका जो सेकेंड टाइप है बायलेटरल ईसीटी, ठीक है, कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं अपन इसका, सेकेंड टाइप। देखिए मैं पहले बता रहा हूं आपको, कंफ्यूज कहीं नहीं होना, जो टाइप्स मैं आपको बता रहा हूं वो एग्जैक्ट है, ठीक है। आपको मैंने बताया यूनिलेटरल ईसीटी बताया, इसको अच्छे से समझा दिया, सेकंड अपन पढ़ रहे हैं बायलेटरल ईसीटी। अब इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। बाई का मतलब होता है टू टाइप्स, या बाई का मतलब होता है दोनों तरफ, बोथ, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रोड्स होंगे, दोनों इलेक्ट्रोड्स होंगे, कहाँ प्लेस करने हैं आपको, बोथ साइड, मतलब कि दोनों साइड कहाँ करने हैं ब्रेन के, और कौन से रीजन पे, टेम्पोरल रीजन पे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन समझिए, बोथ इलेक्ट्रोड्स देखिए बोथ इलेक्ट्रोड्स आर अप्लाई, मतलब कि दोनों इलेक्ट्रोड्स को कहाँ अप्लाई करना है आपको, बोथ इलेक्ट्रोड्स आर अप्लाई ऑन द टेम्पोरल रीजन, कहाँ पे, ऑफ ब्रेन। देखिए बायलेटरल नाम से ही पता लग रहा है, बायलेटरल का मतलब दोनों इलेक्ट्रोड्स, और कहाँ लगाने, दोनों साइड लगाने हैं, ठीक है, और कहाँ लगाने हैं आपको, टेम्पोरल रीजन, जो आपका टेम्पोरल रीजन है ब्रेन का, ठीक है। टेम्पोरल रीजन को आप सिंपली मतलब समझ सकते हो, आपका जो ईयर्स है, इस ईयर के ऊपर जो आपकी बोन्स पाई जाती है, यहाँ पे आप टच करके देखते हो, इसको बोला जाता है टेम्पोरल बोन। इसी रीजन पे आपको क्या लगाने हैं, इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं, ठीक है। तो आपके जो बायलेटरल ईसीटी हो गई, उसमें क्या बताया मैंने आपको, बोथ इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस ऑन द टेम्पोरल रीजन ऑफ द ब्रेन, ठीक है, बोथ साइड। इसके बाद में इसका सेकेंड पॉइंट क्या है, देखिए अगर ये दोनों साइड लगाई जा रही है तो इसका इफेक्टिवनेस भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, मोस्ट इफेक्टिव, इसका इफेक्टिवनेस भी क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। और मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, देखिए क्वेश्चन ये है कि मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ई सी टी का मोस्ट कॉमन टाइप आर यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, मतलब कि क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जो ईसीटी का मोस्ट कॉमन टाइप्स यूज होता है वो कौन सा है। तो यहाँ पे आपको आंसर करके क्या चलना पड़ेगा, बायलेटरल ईसीटी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ईसीटी, ठीक है। अगर ईसीटी का मोस्ट कॉमन टाइप आपसे पूछता है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ईसीटी क्या है आपका, बायलेटरल ईसीटी, ठीक है, याद रहेगा। तो
तो आपको यहाँ पे बायलेटरल ईसीटी करके चलना है। यहाँ तक अपन ने डिस्कस किया, इसका जो रिमेनिंग पोर्शंस है या जो बाकी बच गया पोर्शन वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।